हरदोई के बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बोला हमला। बोले केजरीवाल थूक कर चाटने वाला नेता। हरदोई में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्र ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वह एनजीओ चलाने वाले हैं और उनका मकसद सिर्फ पैसा पैदा करना है। मामले पर जोरदार हमला करते हुए हरदोई के बीजेपी जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्र ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं साल 2012 जब अन्ना हजारे ने पहली बार जंतर मंतर पर अनशन किया था, मैं तब से जानता हूँ। यह एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, विदेशी फंडिंग के लिए काम करने वाले लोग हैं। इनकी प्राथमिकता लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा पैदा करना है, चाहे पहले एनजीओ के माध्यम से, चाहे अब राजनीति के माध्यम से। इनका चरित्र ऐसा है कि ये कब अपनी ही बात से बदल जाएं, कब ये थूक कर चाट लें, इनको ही नहीं पता होता है। इसलिए इनकी प्राथमिकता पैसा है, इनकी प्राथमिकता इनके स्वार्थ है। इनका कोई भी चरित्र नहीं है, इनका कोई भी विचार नहीं है, इनकी कोई भी विचारधारा नहीं है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके भ्रष्ट व्यवस्थाओं के ही पालन और पोषण करने वाले रहे हैं। इनका इतिहास देख ले, इनके एनजीओ का इतिहास देख ले, और अब इनकी सरकार का इतिहास देख ले। ये छद्मवेशधारी हैं, ये जो करेंगे वो वही करेंगे जो देश विरोधी होगा, समाज विरोधी होगा, व्यक्ति विरोधी होगा। अन्ना हजारे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का कीचड़ है, क्या कहना चाहिए? तो मैं भी वही कह रहा हूँ जो अन्ना हजारे भी इसके अनुभवी हैं, मैं भी इसका अनुभवी हूँ। और ये देश भर के सातिर लुटेरों का जो गैंग है वो आम आदमी पार्टी है।